तो ये हमारे इस एग्जामिनेशन 2023 खत्म होने के बाद एक सवाल यहाँ पर चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है, जो आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में बहुत बार पूछा गया है। पहला सवाल है कि ये हमारे इस एग्जामिनेशन में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, क्या वो भाषाई आधार पर होगा, यानी कि जो कैंडिडेट जिस भाषा से बिलोंग करता है। उदाहरण के तौर पर अगर टीजीटी में अगर आपने बंगाली भाषा चुनी है, तो क्या वरीयता बंगाली बच्चों को दी जाएगी, पहला सवाल। दूसरा, क्या यहाँ पर जो ये हमारा इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, उसकी मेरिट कितनी जाने वाली है। दोनों के ऊपर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई एम आर एस का जो एग्जामिनेशन है इस बार वाला 2023 का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, है ना। क्योंकि ये काफी आप सबको ध्यान में होगा कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में काफी ज्यादा ही चर्चा का विषय था कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट पेपर लेती थी और अब यहाँ पर ई एम आर एस हमारा पेपर लेती है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी खुद की कंट्री बॉडी है। ठीक है, तो पेपर किसने लिया आपके? सीबीएसई ने लिया। सर, ये किसने रिलीज किया? सीबीएसई ने। कि रिजल्ट कौन देगा? सीबीएसई देगा। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट्स कहाँ भेजे जाएंगे? यहाँ पर आपके जो रिजल्ट्स है वो नेस्ट को भेजे जाएंगे, जो कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर देगी कि भाई इतने बच्चों को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, सेंट्रल वाइज और कैटेगरी वाइज। ये आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल वाइज का मतलब क्या है कि पूरे सेंटर में कुल मिलाकर के 10,391 यानी 10391 के आसपास हमारी टोटल वैकेंसीज थी, टीचिंग में भी और नॉन टीचिंग में भी। और कैटेगरी वाइज से मेरा मतलब क्या है कि सीट्स रिजर्व रहेंगी। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर प्रिंसिपलशिप में यदि 303 वैकेंसीज आई हैं, तो यहाँ पर एसटी में, मैं उदाहरण बता रही हूँ, 45, माफ कीजिएगा, 45 सीटें उनके लिए हैं, 15 सीटें एसटी वालों के लिए हैं, और जो अदर डिसेबल्ड हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। तो इस तरीके से सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। ये है आपका क्राइटेरिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाषाई आधार पर, जो आपका यहाँ पर समस्या आ रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, भाषाई आधार से केवल यहाँ पर ई एम आर एस का एक मतलब था, केवल ये चेक करना कि भाई जो बच्चा टीजीटी या पीजीटी की क्लासेस को पढ़ाएगा, यदि उसकी पोस्टिंग बंगाल से उठा करके गुजरात में कर दी जाती है, गुजरात वालों की पंजाब में कर दी जाती है, तो वो कितना जो है सेल्फ मेंटली प्रिपेयर है, कि क्या वो सही तरीके से हिंदी भाषा का प्रयोग, इंग्लिश भाषा का प्रयोग, या जो उसकी खुद की रीजनल लैंग्वेज है उसमें कितना उसको जो है अच्छा कमांड है। केवल इतना ही मतलब था, जो जिसको हमने काउंट किया क्वालिफाइंग इन द क्राइटेरिया, जिसके चलते ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 30 नंबर का था आपका, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की रीजनल भाषा जो आपने चुनी थी फॉर्म भरते समय, और पीजीटी में आपका था यहाँ पर 20 नंबर का इंग्लिश और हिंदी। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर, आपके कट ऑफ के ऊपर, कितने कैंडिडेट बैठे पेपर में, कितनों ने पास किया, कितने यहाँ पर अपीयर हुए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही, और उसके बाद यहाँ पर जो सीटें फिक्स हैं पहले से। उदाहरण के तौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सीट्स पहले से फिक्स हैं, जनरल कैटेगरी में जाहिर सी बात है कि सीटें जो है कम ज्यादा की जा सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल और एग्जामिनरी बॉडी का एक एक फाइनल आउटकम डिसीजन यहाँ पर क्या होता है। आई होप कि इसके बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और कट ऑफ के ऊपर एक अलग से वीडियो जो है आपको कल मिल जाएगी, जो कि आपका लगातार एक सवाल आ रहा था। और कमेंट करके बताइए कि इस बार आपको ये हमारे इसके एग्जामिनेशन से के रिजल्ट से कितनी उम्मीद है, जो कि अभी 6 तारीख हमारी लास्ट डेट थी आंसर की, और रिजल्ट भी जल्दी जारी होने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।